मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प और पंजीयन विभाग के महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर अब खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। ब्लड रिश्ते के अलावा अन्य के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी करने पर स्टाम्प लगेगा। वहीं नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बस अड्डों को आधुनिक हवाई अड्डे की तरह बनाने का कार्य और शिलान्यास करेंगे। निजी क्षेत्र के अंतर्गत बनो अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, इसको भी आज मंत्रिमंडल ने, पहले से ही मेडिकल कॉलेज चलाते हैं ये शाहजहानपुर गली रोड पर। जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रधानाचार्य ट्रेनिंग सेंटर 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य नहीं करेंगे, अपितु चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद के सापेक्ष 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। यानी कि जो लोग किसी न किसी रूप में प्रशासनिक पद पर हैं, उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा। अपने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दुर्घटना के बाद जो हमारे जो दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं उनको सही उनको इलाज हो और सही उनके मुआवजे मिले, इसके लिए कमेटी वो करेगी। तो इसका आज मंत्रिमंडल से एक स्वीकृति प्राप्त हुई है।